जैन पात का वर्णन किया। भारत का राजा यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी का राजा है वो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का राजा है। बैठाया किसने? ब्राह्मण ने। मुक्ति की नीति किस धर्म से चुनी? जैन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बना बिंदुसार। द्वितीय नगरी क्रांति की धारा को और बढ़ाया, विदेशी संपर्क बढ़ाए, सीरिया के राजा से मित्रता की, इजिप्ट के राजा से मित्रता की। द्वितीय नगरी क्रांति पैदा कब हुई? 6th century BC में। बढ़ कब रही है? मौर्य काल में। और फिर बिंदुसार के बाद मौर्यों में एक महानतम व्यक्तित्व का आगमन हुआ, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट। अब गौर करिए, चाणक्य द ग्रेट नहीं कहते, विद्वान है, विद्वान है, जानकार हैं। आज भी लोग कहते हैं कि चाणक्य नीत पढ़ेंगे भैया। अशोका द ग्रेट, ये आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, हो सकता आया हो कि यार द ग्रेट क्यों लगता है, ये द ग्रेट कैसे बना जाता है? डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, द ग्रेट कैसे बना जाता है? द ग्रेट बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? उच्चतम स्तर की समझदारी। बड़ी अजीब बात है, एजुकेशन, एजुकेशन सेकेंडरी है। आप पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छा है, कबीर कम नहीं पढ़े लिखे हैं। द ग्रेट बनने का जो सिद्धांत है वह है हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, समझदारी, उच्चतम लेवल की समझदारी। ये सम्राट अशोक, समझदारी क्या? समझदारी का मतलब क्या? समझदारी का मतलब ये कि इंडिया विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का देश है, अ लैंड ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो चूंकि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है इसलिए डाइवर्सिटी है। ये मूल रीजन है, मेन रीजन है इंडिया की डाइवर्सिटी का, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये मेन रीजन है। कश्मीर का कल्चर अलग है, गुजरात का अलग है, यूपी बिहार का अलग है, असम का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, तमिलनाडु का अलग है। इन सबके पीछे रीजन क्या है? मेन